नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्ना अपडेट। मैं हूं पंकज चौहान। दर्शकों, जहां देश के कुछ हिस्सों में कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है, वहीं क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है उनमें कुछ गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल वाक्य कल का है। कल बिश्ना कस्बे में एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पंचों सरपंचों को सम्मानित किया जाता है जो हाल ही में बने हैं। लेकिन इस दौरान क्षेत्रीय कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे जहां पद अधिकारी थे जिनको उस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे ही एक हमारे साथ आज हैं राज्य कांग्रेस के सचिव हैं जो शशि शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कल के कार्यक्रम में वो भी इस मंच को साझा करते हुए नहीं दिखाई दिए गए थे। शशि जी, किस तरह से देखते हैं आप कल, आप भी उस कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए जहाँ एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है लेकिन यहाँ पे गुटबाजी देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? पंकज जी, बात ये है कि हमें तो इस कांग्रेस के प्रोग्राम का कोई इलम नहीं था, ना ही हमें कोई इनविटेशन थी, ना हमारे नाले में था कि ऐसा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। कल ही शाम को मैंने सोशल मीडिया में देखा कि यहाँ कोई कांग्रेस की मीटिंग हुई है, कांग्रेस के नाम पर मीटिंग हुई है, लेकिन जो आयोजक थे वो कांग्रेस के, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा वो कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं। जब भी कभी इलेक्शन होती है, या तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं या वो किसी इंडिपेंडेंट की सपोर्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये आयोजक जो थे, ये देखो, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ इन्होंने ये फ़ोटो है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ फ़ोटो है। यहाँ ये कांग्रेस के लीडर बनते हैं। यहाँ ये अभी लोकल बॉडी के इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और कांग्रेस को हराने में पूरी कोशिश की इन लोगों ने, और इन लोगों ने कल यहाँ एक मीटिंग आयोजित की थी पंचों सरपंचों को सम्मानित करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के वहाँ कोई सरपंच पंच थे। दो तीन जो सरपंच थे उनमें से एक तो पैंथर पार्टी का जो रमेश यूरिया कैंडिडेट है उसका भाई था और सपोर्टर बाई एनसी एंड अदर्स। दूसरा एक एनसी का कैंडिडेट वहाँ सरपंच था। तो जो पांच छः पंच थे उनमें भी मुझे कोई ना कांग्रेस का डेलीगेट दिखाई देता है, ना ही कांग्रेस का कोई उनमें से एक्टिव मेम्बर है। बाकी ये लोग या तीन साल कांग्रेस कांग्रेस करते हैं, जब कोई इलेक्शन आती है तो ये कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं। असेंबली में भी आपको पता है कि ये दो जो लोग हैं, एक वकील साहब और दूसरा ये अशोक जी, इन्होंने, वकील साहब ने तो दो इलेक्शन लड़ी हैं ऑलरेडी जनता पार्टी के टिकट पर असेंबली की। 1983 में सांबा से 839 वोट लिया और 1987 में गांधीनगर से 454 वोट लिया। अब ये बिश्नाह में आते हैं, कांग्रेस कांग्रेस करते हैं। जहाँ इस प्रोग्राम में, मैं आपको बता दूं, हमें तो पता नहीं था, ना ही दो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं यहाँ। हमारे अनिल शर्मा जी बिश्नाह ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक के, और कृष्ण सैनी जी अरनिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वो भी, उनको भी इनविटेशन नहीं थी, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। लेकिन सर, आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी तो ऐसे शामिल हुए थे उस स्टेज में, जो जम्मू के लेवल से आए हुए थे, वो भी तो आपकी पार्टी के नेता थे ना? इस बारे में पार्टी हाईकमांड से बात करूंगा, लेकिन हम बाकी वालों की बात छोड़ो। मूला राम जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मुझे समझ नहीं आई ऐसे क्या हालात बन गए कि मूला राम जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक्स मिनिस्टर हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए बगैर यहां के जो लोकल लीडरशिप और ख़ास करके जो दो यहां के पीसीसी मेंबर हैं, मैं हूं, एक नम्रता है, ये भारद्वाज तो यहां का पीसीसी मेंबर भी नहीं है, ना अशोक है। ये तो अभी आपने देखा, आप एजेंसी से पूछो, आप सबको, मीडिया को पता है कि इन्होंने नंगा नाच यहाँ नचा भी इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ, विकास मंच के नाम पर, किसी इंडिपेंडेंट के नाम पर। मैंने आपको अभी फोटो दिखाई इनके, अभी भी बिश्नाह में होल्डिंग लगी है इनकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ, और आज ये कांग्रेस बन गए। ये पहले कहाँ थे, चार महीने पहले, तीन महीने पहले लोकल बॉडी की इलेक्शन हुई है, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त जब विकास मंच के या इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट की सपोर्ट कर रहे थे, आज ये कांग्रेस बनते हैं और आगे होने वाले इलेक्शन में भी ये ऐसा ही करेंगे। लेकिन शशि जी, अगर बात करें इससे पहले की जो हमारी आपके साथ बातचीत हुई थी, उस दौरान आपने कहा था कि अगली विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कम से कम 25 प्लस, आपने कहा था कि विधायक जीतेंगे, लेकिन अगर इस तरह की गुटबाजी आपके आपस में ही देखने को मिल रही है तो उसमें जनता आपको क्यों वोट करेगी फिर? ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट हो, लेकिन यहाँ हमारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल बाहर से आके लोग प्रोग्राम कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता। ये बात हम पार्टी हाईकमान से भी, उनके नोटिस में भी लाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली की लीडरशिप से भी इस बारे बात करेंगे। हम बख्शेंगे नहीं, जो पार्टी का गद्दार है उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे।
तो दर्शकों ये थे राज्य सचिव शशि शर्मा जी कांग्रेस के, जो कि हमने आपको बताया कि कल के जो कार्यक्रम में कांग्रेस के कुछ ही नेता शामिल हुए थे और सचिव जो हैं कांग्रेस के वो भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, जिसके चलते कह सकते हैं कि कांग्रेस जो लोगों को एक लहर बनाने की ओर जा रही है देश के अन्य हिस्सों में, क्या वो इस क्षेत्र में भी बना सकेगी? कहीं ना कहीं जैसे गुटबाजी इनमें आपस में ही देखने को मिल रही है, तो क्या इसमें ये आगे लोगों की जनता पर खरा, उनके जो मसले हैं, जो उनके विश्वास जो लोग जताते हैं उन पर खरा उतर पाएगी? कैमरा पर्सन गुलशन के साथ पंकज चौहान, आरएसपुरा बिश्नोई अपडेट के लिए।